डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेसन एक्सक्यूजेज स्किट के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय इंसर्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्किट। के आपको नीचे दिए गए हुए जुमलों में करेक्ट वर्ड्स को इंसर्ट करना है, भरना है, जो इस किट में आए हुए हैं। तो फर्स्ट जो लाइन है वो है, द हैवी लोड वुड नॉट बज, कि जो हैवी लोड था या भारी भरकम वजन था वो टस से मस नहीं हो रहा था, हिल नहीं रहा था। बज हमारे लेसन में आ चुका है, जिसके माने होते हैं कि मूव। सेकंड जो लाइन है, द पुलिस अराइव्ड टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम, कि पुलिस आ गई क्राइम का इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जुर्म का इन्वेस्टिगेट करने के लिए। थर्ड है, माय फ्रेंड लूर्ड मी टू ईट चॉकलेट्स इन द क्लासरूम, कि मेरे फ्रेंड ने, मेरे दोस्त ने मुझको क्लासरूम में चॉकलेट खाने की लालच दी। फोर्थ है, आई वाज रिलीव टू फाइंड माय लॉस्ट बुक्स, कि मुझे बड़े इत्मीनान हुआ, आराम मिला अपनी खोई हुई नोटबुक पाकर। फिफ्थ है, द इंजर्ड चाइल्ड केप्ट ग्रोनिंग विथ पेन, कि जो जख्मी बच्चा था वो दर्द या तकलीफ की वजह से कराह रहा था। सिक्स्थ है, ही स्टोल द कैश एंड वैनिश्ड इन द डार्क नाइट, उसने कैश, पैसों को चुराया और अंधेरी रात में गायब हो गया। वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना। सेकंड क्वेश्चन है, रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एज पर द नरेटर, के नीचे जो जुमले में आए हुए इवेंट्स हैं, वाकयात है, तो आपको कहानी बयान करने वाले के हिसाब से उसको ऑर्डर में रखना है, तरतीब में रखना है, यानी पहले जो चीज़ हुई उसको पहले रखना है, बाद में जो चीज़ हुई तो उसको बाद में रखना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ उसके आंसर्स लिखा है, यानी अरेंज उसको पहले ही कर लिया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आता है फोर्थ सेंटेंस, रितेश हर्ड स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड, कि रितेश ने मेन रोड से एक आवाज़, एक चीख को सुना, फिर उसने क्या किया। सिक्स्थ है, अ मैन ग्रोनिंग विथ पेन वॉज लाइंग नियर द पेमेंट, जब वो आगे जाके इसने देखा तो उसने पाया कि पैदल रास्ते पर एक आदमी, पैदल रास्ते के करीब एक आदमी पड़ा हुआ है और वह तकलीफ से करा रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ। फिफ्थ है, अ थीफ केम रनिंग आउट ऑफ अ शॉप, एक चोर दुकान से भागता हुआ आया। उसके बाद क्या हुआ, तो सेकंड सेंटेंस है, द ग्रोनिंग मैन जॉइन द थीफ एंड रेन अवे, कि जो आदमी करा रहा था वो उसने चोर को ज्वाइन कर लिया, वो चोर के साथ मिल गया और वो भी भाग गया। थर्ड है, या नेक्स्ट इवेंट है, अ ह्यूज डॉग वॉज सिटिंग ऑन रितेश स्कूल बैग, के एक बड़ा सा कुत्ता रितेश के स्कूल बैग पर बैठा हुआ था। उसके बाद का जो इवेंट है तो वो सेवंथ सेंटेंस में है, द डॉग रिफ्यूज टू मूव, लेकिन कुत्ता वहाँ से हिल नहीं रहा था। नेक्स्ट जो इवेंट है वो फर्स्ट सेंटेंस में आया है, द डॉग बिगेन टू फॉलो रितेश टू स्कूल, के कुत्ता स्कूल में रितेश के साथ साथ जाने लगा या रितेश को फॉलो करने लगा। और एंड में क्या हुआ, द डॉग इट्सेल्फ फाउंड इट्स ओनर, के कुत्ते ने अपने ओनर को पा लिया। तो इस तरह हमने इन तमाम सेंटेंस को उनके ऑर्डर में या उनके हैपनिंग ऑर्डर में रखा। थर्ड जो क्वेश्चन है, डिस्कस एंड राइट द फॉलोइंग आंसर इन योर ओन वर्ड्स, कि आपको डिस्कस करना है और उसके बाद में नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर अपने वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द एक्सक्यूजेस गिवन बाय रितेश फॉर हिज लेट अराइवल ट्रू, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स, कि जो रितेश ने स्कूल में लेट आने के लिए जो एक्सक्यूजेस, जो बहाने पेश किए थे, आपको क्या लगता है वो सही थे, और आपकी राय जो भी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे रीजंस या वजह देना है। तो आंसर है इसका, द एक्सक्यूजेस गिवन बाय रितेश फॉर हिज लेट अराइवल वर नॉट ट्रू फॉर द फॉलोइंग रीजन, कि रितेश ने अपने लेट आने के लिए जो बहाने पेश किए थे वो सही नहीं थे, दर्ज ज़ैल रीजंस या दर्ज ज़ैल असबाब की वजह से, यानी नीचे जो हम रीजंस पेश कर रहे हैं तो उनके वजह से हमको लगता है कि वो
सच नहीं थे। फर्स्ट रीज़न है, थिंग्स ही डिस्क्राइब इन द स्टोरी डोंट हैपन इन आवर डेली लाइफ लाइक इंजर्ड मैन स्टार्टेड रनिंग, के जो चीज़ें उसने कहानी में बताई थी तो हमारी डेली लाइफ या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होते हैं, जैसे कि एक ज़ख्मी आदमी उठकर भागने लगे। सेकंड है, हिज डिस्क्रिप्शन अबाउट द डॉग चेंज, उसके कुत्ते के बारे में उसने जो चीज़ें बताई थी तो वो कहानी के अंदर ही चेंज हो गई थी। पहले उसने बोला था कि बड़ा कुत्ता, बाद में बोला कि छोटा कुत्ता। थर्ड है, ही कुड नॉट एंड अप द स्टोरी प्रॉपरली, और वो कहानी को अच्छी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाया। आखिरी में जो उसने बोला कि कुत्ते ने खुद ही अपने मालिक को ढूंढ लिया, वो मालिक को देख नहीं पाया। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमको लगता है कि इसकी कहानी फेक थी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, डिड द टीचर बिलीव रितेश स्टोरी, हाउ डू यू नो दैट, कि क्या टीचर ने रितेश की कहानी को सच माना, और आपको कैसे मालूम, यानी सच माना या झूठ माना, तो आपको ये कैसे मालूम हुआ। तो आंसर है नो, द टीचर डिड नॉट बिलीव रितेश स्टोरीज, के टीचर ने रितेश की कहानी को सच नहीं माना। वी कैन सेंस इट फ्रॉम द हर वर्ड्स, हम इस बात को महसूस करते हैं उसके अल्फाजों से। एज शी वॉज वेरी सार्कास्टिक, क्योंकि वो बहुत सार्कास्टिक थी, यानी बहुत तंजी अंदाज में रितेश से बात कर रही थी। एंड एट द एंड ऑफ द स्किट शी सजेस्टेड रितेश टू टेक पार्ट इन स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, और कहानी के या स्केट के एंड पर उसने रितेश को स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए भी कहा। विच ऑल्सो टेल्स अस दैट शी टुक द होल स्टोरी एज अ फॉल्स एक्सक्यूज, जो हमको ये भी बताती है कि उसने पूरी जो कहानी थी रितेश के जरिए पेश की गई, तो उसको बस उसने एक झूठी कहानी के तौर पर लिया था, या एक झूठे बहाने के तौर पर लिया था। थर्ड जो क्वेश्चन है, वाई डिड द टीचर सजेस्टेड दैट रितेश शुड एंटर द स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट, के टीचर ने रितेश को क्यों कहा था या सजेस्ट किया था, मशवरा दिया था कि वो स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले। तो आंसर इसका, बिकॉज ही केम अप विद अ रियली गुड एंड इंटरेस्टिंग एक्सक्यूज फॉर हिज लेट कमिंग, क्योंकि वो अपने लेट आने के लिए उसने जो बहाना पेश किया था वो बहुत ही दिलचस्प था और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बयान किया था। सो शी सजेस्टेड दैट रितेश शुड इंटर द स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट एज ही इज़ गुड एट इट, तो इसीलिए उन्होंने रितेश से कहा था कि वो स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छे से कर सकता है, यानी कहानी बहुत अच्छे से बना सकता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बेस्ट वे टू करेक्ट चिल्ड्रन हु आर रेगुलरली लेट टू स्कूल, आपके अंदाज से उन बच्चों को सही करने का, दुरुस्त करने का क्या तरीका है जो हमेशा स्कूल में लेट आते हैं। तो आंसर इसका, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर लेट कमिंग, कि वो स्कूल लेट क्यों आते हैं, इसका हमको सबसे पहले तो वजाहत जाननी है, उनके असबाब जानने हैं कि वो लोग क्यों लेट आ रहे हैं। एंड इफ़ दे हैव एनी जेन्युइन रीज़न देन वी शुड हेल्प, अगर उनके पास कोई सही वजह है, यानी किसी सही वजह के बिना पर वो लेट आते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इफ़ नॉट देन वी शुड एक्सप्लेन टू देम द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, अगर उनके पास कोई वजह नहीं है तो हमें फिर उनके सामने इस बात के एक्सप्लेन करना चाहिए कि ज़िंदगी में वक्त पर आने की, वक्त पर किसी काम करने की क्या अहमियत है। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें हमको रिपोर्ट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, कि नीचे जो आए हुए सेंटेंसेस है तो उन्हें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, रितेश मे आई कम इन मैडम, रितेश का ये सेंटेंस है कि क्या मैं स्कूल में अंदर आ सकता हूँ, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह बयान करेंगे कि रितेश रिक्वेस्टेड द मैडम इफ़ ही माइट कम इन, तर्जुमा दोनों का ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन हमने यहाँ पर उसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लिया। सेकेंड है, मिसेस सेन रितेश यू आर टू अर्ली फॉर द सेकंड पीरियड, कि रितेश तुम दूसरे पीरियड के लिए बहुत जल्दी हो या बहुत जल्दी आ गए। तो आंसर है इसका, मिसेस सेन टोल्ड रितेश दैट ही वॉज टू अर्ली फॉर द सेकंड पीरियड, कि वो दूसरे पीरियड के लिए बहुत जल्दी आ गया है। थर्ड जो सेंटेंस है वह है, रितेश आई हैड लेफ्ट माई बैग एट द शॉप,
कि मैंने अपना बैग शॉप पर ही छोड़ दिया था, दुकान पर ही छोड़ दिया था, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे इस तरह से कि रितेश टोल्ड द टीचर दैट ही हैड लेफ्ट हिज बैग एट द शॉप, कि उसने अपना बैग शॉप पर या दुकान पर ही छोड़ दिया था। फोर्थ है रितेश आई एम सॉरी मैम, तो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से बनाएंगे कि रितेश टोल्ड मिसेस सेन दैट ही वाज सॉरी। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है मिसेस सेन देर इज़ अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, के एक स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह बदलेंगे कि मिसेस सेन इन्फॉर्म द रितेश दैट देयर वाज अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, के मिसेस सेन ने रितेश को इन्फॉर्म किया कि एक राइटिंग कॉम्पिटिशन है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें बताया जा रहा है कि इमेजिन देयर इज़ अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल, कि आपको ये तस्वीर करना है, फ़र्ज़ करना है कि आपके स्कूल में एक राइटिंग कॉम्पिटिशन है। फ्रेम अ नोटिस अबाउट द सेम, और उसी के बारे में आपको एक नोटिस तैयार करना है। टू बी पुट अप ऑन अ नोटिस बोर्ड, जो आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा। कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स, और आपको उस नोटिस में नीचे दिए गए जो पॉइंट्स है उसको कवर करना है, उसके यानी उसी के मुताबिक उसको लिखना है। तो पहला है नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, एट वॉट लेवल्स यानी किस लेवल पे वो होगा, डेट टाइम एंड वेन्यू कि किस डेट को होगा, किस टाइम को होगा, किस जगह पे होगा, ड्यूरेशन फिक्स्ड फॉर राइटिंग स्टोरी के स्टोरी लिखने के लिए कितना टाइम मिलेगा, पॉइंट्स टू बी कंसिडर वाइल जजिंग विनर, तो किस पॉइंट्स के बिना पर विनर को या विजेता को हम जज करेंगे, प्राइजेस इनामात क्या होंगे, कॉन्टेक्ट पर्सन फॉर पार्टिसिपेंट एंट्रीज के किस शख्स से कॉन्टेक्ट करना है अगर किसी को इसमें हिस्सा लेना है। तो यहाँ पे हमने नोटिस तैयार की है, वो है इसकी हेडिंग है स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन। अब उसमें हम नोटिस में लिखेंगे पहले दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, कि आपको ये बताया जा रहा है कि हमारी स्कूल में एक राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 16 अगस्त 2020 एट 11 am एट स्कूल, के ये जो कॉम्पिटिशन है तो वो हमारे स्कूल में 16 अगस्त 11 बजे एट स्कूल लाइब्रेरी हॉल, स्कूल की जो लाइब्रेरी का हॉल है उसमें मुनाकिद किया जाएगा, उसमें होगा। डिटेल्स बिलो, और जो डिटेल है वो नीचे है। अब उसमें हमने तीन ग्रुप बनाए, 5 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, तो उस ग्रुप में इन तीन ग्रुप्स में होगा। पहला ग्रुप के लिए जो टाइमिंग होगा वो 9 am टू 11 am, दूसरे ग्रुप के लिए टाइम होगा 11:30 टू 1:30, और तीसरे ग्रुप के लिए 2 pm टू 4 pm। अब यहाँ पे अगले पॉइंट्स है पॉइंट्स फॉर जजमेंट, यानी किस बिना पर हम उसको फैसला लिया जाएंगे, तो वो है क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, जो कहानी का जो कंटेंट होगा उसको वो देखा जाएगा, उसकी क्वालिटी को देखा जाएगा। क्रिएटिव आइडियाज़, उसमें कितने क्रिएटिव आइडियाज़ का इस्तेमाल किया गया। स्टोरी राइटिंग स्टाइल, जो कहानी लिख रहा है तो उसके स्टाइल कैसी थी वो भी देखा जाएगा। लैंग्वेज क्वालिटी, और लैंग्वेज की क्वालिटी को भी देखा जाएगा। इनाम क्या क्या है इसमें, तो फर्स्ट प्राइज़ है 1000 rupees एंड सर्टिफिकेट, पहले जो इनाम रहेगा तो वो 1000 rupees और सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड प्राइज़ है 700 rupees एंड सर्टिफिकेट, के 700 rupees और इनाम मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और थर्ड प्राइज़ है 500 rupees एंड सर्टिफिकेट, 500 rupees और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब जिस शख्स से आपको मिलना है इसके लिए, तो उनका नाम दिया गया यहाँ पे और उसके नीचे नंबर है। तो इस तरह हमने आज के इस वीडियो में हमारे टेक्स्ट बुक का लेसन एक्सक्यूजेज आई स्किट के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखा, समझा और उसे हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको जो वीडियो है उससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।